बसपा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हम अकेले लड़ने वाले। तो आपको क्या लगता है कि बार बार स्पष्ट संदेश देने के बाद भी इस प्रकार के बयानबाजी खासकर कांग्रेस की ओर से क्यों की जाती है? देखिए, उनकी इंटेंशन कुछ और है। वो चाहते हैं कि हमारे लोग गुमराह हो जाएं और इस आड़ में हमारे सभी समाज के लोगों को अलग डायरेक्शन में लेके जाएं। बट बहन जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि हम ये इलेक्शन अपने आप लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बीएसपी अपने आप में सक्षम और मजबूत है और अपना इलेक्शन खुद लड़ सकती है। आकाश जी, ये भी कहा सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की मुलाकातों की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। कुछ पत्रकारों का यह दावा है कि 9 तारीख को यानी 9 मार्च को सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन इस खबर की जानकारी अगर हम देखने की कोशिश करें तो साफ नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने यह कहा है कि वो इंडिया गठबंधन की सुप्रीमो या इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होगी या फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। इस मामले में आकाश आनंद से जब सवाल पूछा गया पत्रकारों ने तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ता नेता पदाधिकारियों को गुमराह कर रही है। आकाश आनंद ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ता नेता पदाधिकारियों को गुमराह कर रही है और कांग्रेस पार्टी की यही चाल है कि गुमराह करके अपने पक्ष में वोटों को है वो डाइवर्ट किया जाए, जिसके चलते हमारे वोटर्स को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बार बार बातें की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर आकाश आनंद ने एक बार फिर से ब्रेक लगा दी।